शिव जी का पुजारी वही है जो ले रहे हैं गरीब अवस्था वाला। कुमार आप देख रहे हैं सच्चाई आज तक। इस वक्त हम मौजूद हैं महुलिया ग्राम में, जहाँ की आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे जो है समाज में कुछ एक एकता है, उस एकता को आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि होली में यहाँ पे जो है समाज किस तरीके से चलाया जाता है, पुराने परंपरा को आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मौका मिलेगा। हम जानते हैं हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, आगे इस वीडियो में बने रहे। थोड़ा सा नाम बोलिएगा। मुरारी यादव नाम है। मुरारी यादव नाम है सर। आप जो यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। यहाँ तो हर साल की भांति जो है होली पूरा धमाका से मनाया जाता है, पूरा साज धज के। आज जो है समाज में किस तरीके से सम्मान किया जाएगा, क्या चीज का व्यवस्था है सर, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताइए। पूरे गांव में बूढ़ बुजुर्ग जितने भी नौजवान है सबको एक ठो गमछा देकर के स्वागत किया जाएगा। किनके माध्यम से किया जा रहा है? मुखिया जी के माध्यम। नाम थोड़ा बोल दीजिए। गोपाल यादव। तो साथियों आप देख सकते हैं कि चानन प्रखंड पंचायत भलू है और यहाँ के जो हमारे प्रेजेंट मुखिया जी गोपाल यादव बताया जा रहा है ग्रामीण द्वारा, और उनके माध्यम से यहाँ पे जो है समाज को सम्मानित किया जाता है। केवल समाज का नहीं, जो ग्राम के जो बुजुर्ग आदमी है उनको भी इनके माध्यम से सम्मान किया जाएगा। उनके माध्यम उनके बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं सर। थोड़ा सा बताइए यहाँ पे कितने गमछा आया है? तो समाज को सम्मान किया जाएगा पूरे ग्रामीण को। साथियों देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण द्वारा ये बताया जा रहा है कि केवल समाज को नहीं पूरा ग्रामीण को आज सम्मान किया जाएगा। वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गमछा भी बहुत सारे हैं और हमारे साथ में पुराने जो बुजुर्ग यहाँ पे होली गाने के लिए जो आए हैं वो भी हमारे साथ है। तो इस स्टूडियो में बने रहे, थोड़ा सा सम्मान कीजिए सर। इस समाज के जो है हमारे पुराने गुरुदेव हैं उनको जो है गमछी से गोपाल यादव मुखिया जो है स्वागत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहे, आप जानकारी आगे जो भी होता है हम डिटेल में देंगे। उन्हीं से तो बोला बोले